दोस्तों, वर्तमान में हमें कई ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जिन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत करते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस समृद्धि को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाते हैं। अन्यथा ज्यादातर परिवारों में तो अमीरी और गरीबी का दौर चलता ही रहता है। अर्थात यदि पिता ने अमीरी देखी है तो पुत्र के भाग्य में गरीबी आ जाती है, और यदि किसी पिता ने गरीबी में दिन बिताए हैं तो उसकी संतानें आशातीत सफलताएं प्राप्त कर लेती हैं। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे क्या प्रबंध किए जाएं जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से हमारी आने वाली पीढ़ियां समृद्धि को प्राप्त हो सके। बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। इसी गांव में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही ईमानदार था और हमेशा ही दीन दुखियों की सहायता करता था। उसके पास प्रचुर मात्रा में धन था, परंतु आप तो जानते ही हैं, माता लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। वे कभी भी किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं ठहरती है। यदि आज वे यहाँ हैं, तो कल उनका ठिकाना कहीं और होगा। और ऐसी ही एक रात धनी राम सो रहा था कि तभी उसने स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उसके सामने खड़ी थी जिसने लाल वस्त्र धारण कर रखे थे। देखने में वे किसी देवी के समान दिखाई दे रही थी। इस पर धनीराम ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? और यहां पर क्या कर रही हैं? इस पर स्त्री ने कहा, धनीराम, मैं वैभव लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हारे परिवार में कई पीढ़ियों से निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहां पर समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम्हारी निष्ठा और सेवा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं जितने भी समय तुम्हारे परिवार में रही, तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने सदा ही मेरा सदुपयोग किया। मैंने देखा तुम्हारे घर में हमेशा से ही संतों और सत्पुरुषों का आदर सत्कार होता आया है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी अनेक धर्मशालाएं, कुएं और गौशालाओं का निर्माण करवाया। इसी तरह तुमने भी सदा ही जन कल्याण के कार्य किए हैं। इसीलिए जाते जाते मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम जो कुछ भी चाहो मुझसे मांग सकते हो पुत्र, मैं तुम्हें ना नहीं करूँगी। धनीराम ने कहा, माते, आपने मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर अपनी दया दृष्टि रखी, इस सब के लिए मैं सच्चे हृदय से आपका आभारी हूँ। किंतु माते, आप तो जानती ही हैं, घर की बहुएं आपका ही स्वरूप मानी गई है। अतः मैं आपसे कुछ मांगने से पहले एक बार उनसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ, तत्पश्चात ही मैं आपसे कुछ मांग सकूंगा। माता ने कहा, धनीराम, तुम्हारे विचार बड़े ही उत्तम हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। अतः मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ। कल प्रातःकाल तुम अपनी बहुओं से विचार विमर्श कर लेना, तत्पश्चात मैं पुनः रात्रि को तुम्हारे स्वप्न में आऊंगी। तब तुम मुझे बता देना, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब धनीराम उठा, तब उसने बारी बारी से अपनी तीनों बहुओं को अपने स्वप्न के बारे में बताया और उनसे पूछा कि वो माता लक्ष्मी से वरदान में क्या मांगे ताकि उनका आने वाला जीवन आसानी से व्यतीत हो सके। इस पर सेठ की बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, आपको माता से वरदान में बहुत सारा धन, धान्य और संपत्ति मांगनी चाहिए। जरा सोचिए, यदि हमारे पास पर्याप्त रूप से धन होगा, हीरे जवाहरातों से यदि हमारी तिजोरियां भरी होंगी, तो भला फिर हमें कोई कठिनाई कैसे होगी। पैसों की मदद से हम जो कुछ भी चाहे वो कर सकेंगे। तत्पश्चात सेठ की मझली बहू ने कहा, पिताजी, मेरे विचार से आपको माता लक्ष्मी से अच्छे व्यापार का आशीर्वाद मांगना चाहिए। आपके तीनों पुत्र आपकी ही तरह मेहनती और ईमानदार हैं। किंतु आप जरा सोचिए, यदि व्यापार में
हमारी आशातीत तरक्की हो गई तो निश्चित ही हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इतना ही नहीं, अच्छे व्यापार की मदद से हमारी आने वाली पीढ़ी भी बड़ी ही आसानी से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेगी। और इस प्रकार से दोस्तों, धनीराम को अपनी बड़ी बहू की भांति अपनी मझली बहू की बात भी सुनने में उचित ही प्रतीत हो रही थी, किंतु अब बारी सबसे छोटी बहू की थी। उसने कहा, पिताजी, आप लक्ष्मी माता से जो भी वस्तुएं मांगेंगे, आवश्यक नहीं है कि वे सदा ही हमारे पास टिके, परंतु फिर भी यदि आपने माता से सोने चांदी, रुपए पैसे अथवा अच्छे व्यापार का वर मांगा, तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी आपकी ही तरह मेहनती और ईमानदार निकले और उस संचित धन का उचित उपयोग करे, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि पर्याप्त धन और अच्छे व्यापार के चलते वे अहंकारी, आलसी और बुरे चरित्र वाले हों और धन की अधिकता में वे गलत रास्ते पर चल पड़े। किंतु मेरे विचार से जो मैं कहती हूँ, यदि आपने माता से वो मांग लिया तो फिर चाहे हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी बिना किसी परेशानी के इस सब का सामना कर सकेंगे। छोटी बहू के मुख से ऐसा कथन सुनकर सेठ धनीराम बहुत ही संतुष्ट हुआ। तत्पश्चात दूसरे दिन जब रात को माता लक्ष्मी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा, तब सेठ ने कहा, माते, यदि आपको यहाँ से जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु जाते जाते मुझे ये आशीर्वाद जरूर दीजिए कि मेरे घर सदा ही हरी कथा होती रहे, मैं तथा मेरे वंशज हमेशा ही संतों की सेवा में तत्लीन रहे और जिस प्रकार से मेरे परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना हुआ है, ऐसा प्रेम सदा ही बना रहे। बस माते, मुझे आपसे ऐसा ही वर चाहिए। धनीराम का ये कथन सुनकर लक्ष्मी माता चौंक गई। वे बोली, धनीराम, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरी कथा और संतों की सेवा होती है, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति का भाव हो, वहाँ पर तो साक्षात नारायण का निवास हो जाता है और जहाँ पर नारायण रहते हैं, मैं तो उनके चरणों में ही निवास करती हूँ। अब तो चाहकर भी मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, अपनी छोटी बहू की सूझबूझ से सेठ धनीराम ने माता लक्ष्मी से परस्पर प्रेम और संस्कार मांग लिए, जिससे कि माता लक्ष्मी के साथ साथ वहां पर नारायण का भी स्थायी निवास हो गया। अब तो आप जान ही गए होंगे कि ना धन दौलत से, ना अच्छे व्यापार से, बल्कि हम केवल अच्छे संस्कारों और आपसी प्रेम से ही सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं और इसी से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो पाती है। अन्यथा इस समस्या का कोई भी यथोचित उपाय नहीं है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।